दो दिवसीय नेशनल स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता जो कैर में आयोजित की गई थी उसके मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं मास्टर आजाद सिंह जी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि स्विम कबड्डी के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं और इन्होंने न केवल कबड्डी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु अपितु समय समय पर खेल की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया है। आइए सीधे बात करते हैं मास्टर आजाद सिंह जी से। मास्टर जी, आपको भी अपने पुराने दिनों की याद ताजा हो गई होगी। एक बेहतरीन खेल प्रतियोगिता का यहाँ आयोजन किया गया था, क्या कहना चाहेंगे खिलाड़ियों को और आयोजकों को? देखो, यहाँ पर कैर गांव की हमारी पुरानी यादें ताजा हो गई जी। मैं कैर गांव की टीम में ही एक खिलाड़ी के रूप में खेलता था जी। और पूरी दिल्ली के अंदर हम कैर गांव की टीम फर्स्ट रहती। मास्टर आजाद जी, मास्टर आजाद जी, तो मैं निवेदन करूंगा मास्टर आजाद जी से, मानताल होगी जी आपकी अभी। तो अनेक ऐसे मौके यहाँ पर रहे। मैं एक अपने गांव की तरह कैर गांव में रहता था और कबड्डी एक प्राचीन भारत का खेल है जी हाँ। आज कैर गांव में आज भी इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे पुराने साथी दया किशन जी, जो हमारी उस समय की टीम के कैप्टन होते थे, वो आज भी इस चीज में लगे हुए हैं और हमने भी अपने क्षेत्र में प्रयास किया और कबड्डी के लिए एक निजामपुर में स्टेडियम बनवा कर उस समय नगर निगम से दिया, जो वहाँ भी आज बच्चे काफ़ी काम कर रहे हैं, काफ़ी खिलाड़ी निकल रहे हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मैं तो दया किशन जी को भी बधाई देता हूँ, जो इस उम्र में भी अभी कबड्डी के उसमें लग रहे हैं, ये बधाई के पात्र हैं। ये खेल ऐसा है भारत में कि इसको जितना भी आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि प्राचीन हमारी धरोहर है, उसको आज भी कैर गांव बनाकर रख रहा है। मैं ही गांव को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मास्टर जी, एक पर्सनल सवाल भी है जी। राजनीतिक पारी, आने वाले विधानसभा चुनाव है, मास्टर जी एक खिलाड़ी के तौर पर क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक और पारी खेलने का मदा रखते हैं? देखो, मादा तो बहुत कुछ है जी, और मादा पूरा भी होगा जी, लेकिन पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा जी हाँ। और देखिए, मास्टर आजाद सिंह जी जो बेहतरीन खिलाड़ी भी रहे हैं, आज एक संदेश भी दिया है और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से स्वस्थ व तैयार भी नजर आ रहे हैं, पार्टी के आदेश पर निर्भर करते हैं जी हाँ। आज कैर गांव में बेहतरीन जो व्यवस्थाएं की गई थी, तमाम जो लोग यहां पहुंचे थे, खिलाड़ियों को उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है और विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देकर के यहां सम्मानित भी किया गया है।